वीमेन क्रिकेट टीम की जो कप्तान है निदा डार, उसको हटा दिया गया और फास्ट बॉलर फातिमा सना को कप्तान बना दिया गया है। जब से निदा डार बनी है ना, उसकी वो जो अपनी परफॉर्मेंस थी ना बॉलिंग की, वो भी गई, और मिडल में जो थोड़ी बैटिंग कर लेती थी वो भी गई। 24 मैच खेले हैं और 24 में से हमने 15 हारे हैं, सिर्फ 9 जीते हैं। हम बांग्लादेश से भी जो सीरीज थी वो भी हार गए, और अभी एशिया कप हुआ है आपके सामने था, सिर्फ हम क्या किया, हमने इंडिया से इतने बुरे हारे कि हम 108 पे ऑल टीम कर गए। हेलो क्रिकेट फैंस, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से एक और खबर आई है कि पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम की जो कप्तान है निदा डार, उसको हटा दिया गया और फास्ट बॉलर फातिमा सना को कप्तान बना दिया गया है। यानी प्रोग्रेस नहीं दिखानी, कप्तान हटाई जो, उससे पहले बिस्मा मरूफ को हटा दिया गया था, निदा डार को बना दिया गया था, और जब से निदा डार बनी है ना, उसकी वो जो अपनी परफॉर्मेंस थी ना बॉलिंग की, वो भी गई, और मिडल में जो थोड़ी बैटिंग कर लेती थी वो भी गई। और मोहतरमा की कप्तानी में तो पाकिस्तान ने इतनी ही, मतलब क्या कहूँ, 24 मैच खेले हैं और 24 में से हमने 15 हारे हैं, सिर्फ 9 जीते हैं। सब छोड़ो जी, हम बांग्लादेश से भी जो सीरीज थी वो भी हार गए थे, इसी आप अंदाजा लगा सकते हैं निदा डार की कप्तानी में। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लैंड से हम ओडीआई 2-0 से हारे, टी20 3-0 से हारे, वेस्ट इंडीज से वो जो हमारे घर आई हुई थी, इससे मतलब कराची में मैचेज हो रहे हैं, हमारे घर में हो रहे हैं, फिर भी हम उनसे 4-1 से वो भी हार गए। न्यूजीलैंड से हम ओडीआई 2-1 से हारे, न्यूजीलैंड से टी20 2-1 से हारे, बांग्लादेश से मैं पहले बता चुका हूँ, साउथ अफ्रीका से हम ओडीआई 2-1 से हारे, साउथ अफ्रीका से टी20 3-0 से हारे, और अभी एशिया कप हुआ है आपके सामने था, सिर्फ हम क्या किया, हमने इंडिया से इतने बुरे हारे कि हम 108 पे ऑल टीम कर गए। श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में हम 140 डिफेंड नहीं कर सके, और सिर्फ नेपाल और उसके बाद यूएई से मैच ही हारा है, सिर्फ हम पाकिस्तान ने जीता था, बाकी तो बुरी परफॉर्मेंस। वैसे तो जो मैन की टीम है उसकी भी बुरी है ना, ये तो उससे ही गई, पिछले कई सालों से सिर्फ एक अच्छी खबर आई थी जो न्यूजीलैंड में जाके पाकिस्तान वीमेन ने एक सीरीज जीती थी, उसके अलावा तो जो परफॉर्मेंस है ना बुरी से बदतरीन होती चली जा रही है हर तरफ से, मतलब जो हारने का सिलसिला है वो रुक नहीं पा रहा, और कोई अच्छी खबर भी नहीं आ रही, परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं हो रही, और जो है वैसे काम चलता जा रहा है, कप्तान हटाते जा रहे हैं, चीज़ें बस उसी तरह का है, वो क्या कहते हैं ना, मक्खी में मक्खी मारते चले जा रहे हैं, मतलब भाई ऐसे काम थोड़े होता है, और परफॉर्मेंस दिखाओ, अपना जो ग्रास रूट लेवल है, रूट लेवल है ना, ग्रास रूट लेवल, उसको बेहतर करो, अपना सिस्टम बेहतर करो, पाकिस्तान वीमेन के लिए जो यंग प्लेयर उन्होंने कहाँ से आना है वो सिस्टम बेहतर करो। एक छोटी सी वो नेशनल लीग जरूर हुई थी जिसका मैं लास्ट टाइम भी बार बार जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन वो भी किसी काम की थी, हमारे पास कनेडिया लाहौर कॉलेज वहाँ से जो बच्चियाँ आ जाती हैं उनको ले लिया जाता है, और ऐसी चीज़ें नहीं होती, आप घर पर नहीं जीत सकते, आपस में नहीं जीत सकते, तो आप मुकाबला किन का करते हो। और अभी फिर दोबारा T20 वर्ल्ड कप जो यूएई में होने जा रहा है वो आ रहा है अक्टूबर में, और पाकिस्तान का उसमें भी 7 अक्टूबर को इंडिया के खिलाफ मैच है, तो ये तो डेफिनेटली वन साइडेड है, पहले कभी आज तक हुआ ही नहीं ऐसा है, कि जीतना तो दूर की बात है भाई, मुकाबले में तो आओ, कुछ करो तो सही। इसी तरह ये तो एक स्याह तरीन और बुरा तरीन जो दौरा निदा डार का गुजरा है, इंतहाई, मतलब क्या इसमें हम कह सकते हैं, कोई एक अच्छी भी खबर जरा भी नहीं थी, वो कुछ निदा डार खुद कर लेती थी एज ए ऑलराउंडर, मगर जब से कप्तान बनी है वो उससे भी गई, वो भी हम नेपाल और यूएई से जो जीते थे वो गुलफरोजा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 2 मैच में उनकी 50 थी जिसकी बदौलत हम जीत गए थे, अदरवाइज वो भी मुश्किल नजर आ रहा था। फास्ट बॉलिंग की हमेशा मैं बात करता आया हूँ कि देखो 4 स्पिनर के साथ हम लेके चल रहे होते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर हमारे पास होता ही नहीं है, अभी तो कप्तान भी फास्ट बॉलर बन गया, उम्मीद करता हूँ कि कम से कम प्लेइंग 11 में कम से कम 2 जो फास्ट बॉलर होने चाहिए, डेफिनेटली फातिमा सना तो आ रही होती है, उसके बाद डैना बेग है, वो कभी इंजरी का शिकार है, कभी इन है, कभी आउट है, तो हमें और फास्ट बॉलर है वो तलाश करना होगा। इसी तरह टीम जो हुई है, पहले सबसे पहले मैं टीम बता देता हूँ कौन कौन सी है, फातिमा सना कप्तान है, आलिया रियाज है, डैना बेज है, गुल फरोजा है, इसके अलावा इरम जुवेद है, वही दोबारा आ गई, और वो अब पता नहीं क्या है, मुझे तो उसकी लगी हुई है ना, जब कोई काम नहीं है तो टीवी पे बैठ के तनकीद करो, और जब कोई सीरीज आएगी टूर्नामेंट आएगा तो आप टीम में आ जाओ, पार्ट टाइम सारे काम हो रहे हैं तो फिर परफॉर्मेंस तो पार्ट टाइम ही नहीं आ रही, कब अगर पार्ट टाइम की हम बात करें परफॉर्मेंस होती तो कुछ ना कुछ कभी तो कोई अच्छी खबर आ जाती, मगर वो नहीं आ रही। मुनीबा अली है, नशरा सिद्धू है, निदा डार, उमैमा सोहेल, सदफ शम्स है, इसके अलावा सादिया इकबाल, सईदा अरूब शाह, और इसके अलावा रुबाब और तूबा हसन, ये सारी ये टीम में अच्छी हैं। अब कप्तान की बात कर लेते हैं, कप्तान फातिमा सना को बना दिया गया है,
मुमकिन है अच्छा फैसला हो, यंग है, इनर्जेटिक है चीज़ों को लेके, और वो गेम अच्छी अच्छा करती है, और कभी कभी जो बल्ले के साथ भी अच्छा जो 16 17 20 22 रन जरूरी होते हैं टीम को वो भी कर लेती है। लेकिन मुझे खदशा यही है कि शहीनशाह अफरीदी की तरह ये भी खुद को ऑलराउंडर ना कहना शुरू कर दे। तो अपार्ट फ्रॉम जो, अब कप्तान किसको होना चाहिए था, मतलब अगर तो अगर हम बात करें कैंडिडेट की, तो वो आलिया रियाज हो सकती थी, उसके अलावा सिदरा अमीन हो सकती थी, लेकिन खैर ये भी फैसला बुरा नहीं है, अच्छा है, लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि पहली उनकी जो असाइनमेंट है वो यूएई में T20 वर्ल्ड कप है, और बड़ी बड़ी टीमों के साथ आपने खेलना है। तो एशिया कप में तो हम श्रीलंका और सिर्फ जो बड़ी टीम थी वो इंडिया थी, और दोनों से हम इंडिया में हम कभी मुकाबले में नहीं, 108 रन पे हम ऑल टीम हो गए थे। श्रीलंका के खिलाफ एक अच्छा रन था हमने कर लिया 140, और वो हम डिफेंड नहीं कर सके, चमारिया तबातो का कैच ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद वो वन हैंडली मैच को लेके चली गई थी। तो अब देखना ये है कि भाई ग्रास रूट लेवल से चीजें करो, अगर आपने रिजल्ट आज से अभी लेने हैं, वे मुमकिन नहीं है, 5 साल 7 साल बाद लेने हैं, तो अभी से आपको सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सिर्फ मैन की तरफ तवज्जो देते चले जा रहे हो, पैसे उनके बढ़ाते चले जा रहे हो, इसके अलावा उनके जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उनको ज्यादा बुक्कत दी जाती है। खैर परफॉर्मेंस तो वो भी कुछ नहीं दिखा रहे, वो आपके सामने बांग्लादेश से भी हार ही गए हैं, उससे पहले भी बुरा था, और अमेरिका से भी हम हार गए थे। तो लेकिन यार इसके लिए कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए हमने, अगर उनसे मुकाबला करना है चले मुकाबला, नहीं तो हमने अगर मुकाबले में आना है तो जीत हार को बाद की चीजें होती है, कम से कम यार को खेल लियो, टीम को पता चले ये खेल रही है। तो T20 वर्ल्ड कप में ज्यादा उम्मीद इसीलिए नहीं लगा सकता क्योंकि जो हमारा पीछे रिकॉर्ड रहा है वो बुरा खासा अच्छा नहीं रहा, लेकिन फातिमा सना से आने से उम्मीद करता हूँ कि चीजें बेहतर होंगी, थोड़ी सी बेहतर होंगी, या फिर वो जो रास्ता है वो हमवार हो जाएगा और जो गाड़ी है वो ट्रैक पर चली जाएगी। अब तक के लिए इतना काफी है, अल्लाह ने के बाद।